बस्ती जिले में मंदिर तोड़ने व उसके बाद विवादित स्थल पर दोबारा से मंदिर निर्माण करने के मामले में आखिरकार गाज गिर ही गई और पुरानी बस्ती थाने के थानेदार योगेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला अब शासन में पहुंच गया है। प्रॉपर्टी डीलरों ने पहले मंदिर को गिराया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता दबंगई के बल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और बस्ती का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हो गया है। दरअसल मंदिर तोड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने तो कानून तोड़ा ही, अब विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पुलिस की नाक के नीचे कानून और कोर्ट का माखोल उड़ाते जबरदस्ती विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मामला तूल पकड़ता देख जनपद के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मगर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि अवैध तरीके से बनाए जा रहे विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के कार्य को रोक सकें। मंडल के IG, SP, ADM, एडिशनल SP, SDM सहित DSP खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लेते नजर आए। लोग हैं जिन लोगों ने इस जमीन को कब्जा करने के लिए, अपने पीछे के प्लाट को बेचने के लिए मंदिर को ढका, मंदिर को तोड़ा, कुएं को तोड़ करके ढक दिया, ऊपर से रोड बना दिया, सारा काम किया उन लोगों ने। उनका उल्लंघन ये है कि वो हमारा नंबर है, बैनामा शुदा जमीन हमारी है, न्यायालय में उसका मामला विचाराधीन है, न्यायालय ने उसमें हमारे किसी काम में अवरोध करने से प्रतिवादी गण को मना किया हुआ है। उसके बावजूद विपक्षी वहां पर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और प्रशासन मौन है, कोई भी वहां उस काम को रोक नहीं रहा, ना ही न्यायालय के आदेश का कोई पालन हो रहा है, क्योंकि दीवानी कचहरी बंद है, उसका लाभ उठाकर जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा कर करके और एक मंदिर का एक इशू बनाकर जो है जबरदस्ती उसको कि मंदिर 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 कहकर जो उसको विवादित किया जा रहा है। थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था 2 मंजिल का, जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था, उसमें एक पक्ष द्वारा ऊपर वाले मंजिल पर एक मंदिर बना हुआ था, उसको JCB से तोड़ दिया गया। उसमें स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें CO City द्वारा प्रकरण की जांच की गई, तो थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती द्वारा समय से मौके पर न पहुंचना और उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं देने के संबंध में जांच की गई, उसमें दोषी पाए जाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।